नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं बात सच है। भारत की आपत्तियों के बावजूद पाकिस्तान ने गिलगित बाल्टिस्तान में चुनाव संपन्न करा लिए। वैसे भी आपत्तियों और विरोध दर्ज कराने की भारत की नीतियां कोई करिश्मा नहीं दिखा सकी। यह पहले ही तय हो गया था कि पाकिस्तान इस बार अपने कदम वापस नहीं खींचेगा। ऐसे में भारत ने इस मामले को हल्के में लिया और पाकिस्तान को क्षेत्र पर पकड़ मजबूत करने का अवसर दे दिया। हालांकि गिलगित बाल्टिस्तान में विधानसभा चुनाव में धांधली के आरोप लग रहे हैं। यह आरोप खुद पाकिस्तान की विपक्षी पार्टियां लगा रही है, मगर इससे भारत रीझ नहीं सकता है। भारत को स्मरण रखना होगा कि पीएम इमरान खान जीबी में जिस तरह सक्रिय हुए हैं, उसके पीछे एक बड़ी रणनीति काम कर रही है। पाकिस्तान की सेना स्थानीय जनता की आवाज को दबाने के अलावा डेमोग्राफी बदलाव का अभियान भी चला रही है। इसका प्रमाण जीबी में हुए चुनाव में भी दिखता है। यहां 3 लाख से ज्यादा पाकिस्तानी बाशिंदों ने अपने निवास प्रमाण पत्र बनवा लिए हैं और अब बाकायदा यहां पर मताधिकार भी कर रहे हैं, जबकि जीबी के स्थानीय बाशिंदे अपने क्षेत्र में धीरे धीरे अल्पसंख्यक बन रहे हैं, जिनके बीच सुन्नी मुसलमानों ने घुसपैठ करके यहां धार्मिक असंतुलन उत्पन्न कर दिया है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के सुन्नी मुसलमान यहां बड़ी तादाद में लाकर बसा दिए गए हैं। इनमें से ज्यादातर मजहबी कट्टरता के अगवा और उससे प्रेरित लोग हैं। यह लोग इतना आक्रामक है कि इनके सामने यहां की शिया आबादी दहशत में रह रही है। इस इलाके के ज्यादातर बड़े नेता ISI और पाकिस्तान के आतंकियों से जान बचाकर विदेशों में शरण ले चुके हैं। ये वे नेता हैं जिन्होंने गिलगित बाल्टिस्तान की संप्रभुता के लिए पाकिस्तान से टकराने का साहस किया था। पाकिस्तान ने गिलगित बाल्टिस्तान की आजादी के बड़े समर्थक बाबा जान को पिछले कई साल से जेल में डाल रखा है, जिसकी रिहाई के लिए गिलगित और मुजफ्फराबाद में बड़े आंदोलन हो चुके हैं। मगर पाकिस्तान सरकार ने बाबा जान को फांसी पर चढ़ाने की पूरी तैयारी कर रखी है। तहरीके लब्बैक और सिपहसालार साहिबा जैसे संगठन के कार्यकर्ताओं ने भी जीबी के शियाओं का बड़े पैमाने पर नरसंहार किया है। इससे भी स्थानीय जनता कहीं ना कहीं दहशत में रहती है और पाकिस्तान के खिलाफ बोलने का कमी साहस जुटा पाती है। पीओके समेत जीबी के पहाड़ी इलाकों में मुसलमान दहशतगर्दों ने ट्रेनिंग कैंप खोल रखे हैं, जहां आतंक की पाठशाला चलती है और सुसाइड बॉम्बर तैयार किए जाते हैं। पिछले दिनों अफगानिस्तान में मारे गए 200 से ज्यादा आतंकियों में 172 मुसलमान आतंकी पाकिस्तान के नागरिक थे। इनमें से ज्यादातर की ट्रेनिंग पीओके के आतंकी ट्रेनिंग कैंप में हुई थी। परंतु अब सवाल यह नहीं है कि पाकिस्तान भारत के कब्जाए गए इलाकों में क्या साजिशें रच रहा है, बल्कि सवाल यह है कि इस इस्लामिक आतंकवाद की नर्सरी से भारत कैसे निपटेगा और कैसे अपने इलाकों को वापस हासिल कर पाएगा। इस मुद्दे पर पिछले साल अगस्त में गृह मंत्री अमित शाह ने अपना संकल्प भी दोहराया था, जिसके बाद हर हिंदुस्तानी की उम्मीद बढ़ी थी। अब उम्मीद बढ़ी है तो उतावलापन बढ़ना भी लाजमी है, क्योंकि जीबी समेत पूरे इलाके को ज्यादा देर पाकिस्तान की गुलामी में नहीं देखा जाता है। यह अखंड भारत का वह भूभाग है जिसके बगैर भारत पूरी तरह अधूरा है। अब इस क्षेत्र की मौसम की भविष्यवाणियां करने की नहीं, कोई ठोस कदम उठाने की ज्यादा जरूरत है। आतंकी डगर पर चलकर पाकिस्तान बर्बादी के कागार पर पहुंच चुका है। ओसामा बिन लादेन के पाक के अब्दाबाद में पाए जाने पर दुनिया को उसके चरित्र का पूरी तरह पता चल गया है। पाकिस्तान के सिलेक्टेड पीएम, 40,000 आतंकियों की पाकिस्तान में मौजूदगी और तालिबान को पाक फौज के संरक्षण की बात अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर स्वीकार कर चुके हैं। पिछले दिनों पुलवामा हमले में पाकिस्तानी मंत्री ने अपना हाथ स्वीकारा है। इसके अलावा मुंबई के 26/11 हमले में भी पाकिस्तान ने मुसलमान दहशतगर्दों को जेल में भेजा है। डेनियल पर्ल का गला भी पाकिस्तान के मुसलमान दहशतगर्दों ने ही कलम किया है। यानी ये इतने कारण हैं जिनका सीधा लाभ भारत उठा सकता है। अगर इतनी घटनाओं का संबंध अमेरिका के साथ रहा होता तो एक बड़ा एक्शन पाकिस्तान पर हो चुका था। इसराइल जुड़ जाता तो पाकिस्तान में और भी भारी तबाही मच जाती। मगर भारत 2 सर्जिकल स्ट्राइक करके फिर से पूरी तरह शांत बैठ गया है। खास बात यह है कि पाकिस्तान के परमाणु बम का गुब्बारा भी अब पूरी तरह फूट चुका है। जो पाकिस्तानी नेता एटम बम के नाम पर कुलाचे भरते थे, उनकी तसरीफ 2-2 सर्जिकल स्ट्राइक ने तोड़ दी है। इससे दक्षिण एशिया में परमाणु जंग का खतरा भी खत्म हो गया है। फिर भी अगर पाकिस्तान ने हिमाकत की तो यह आतंकी मुल्क सदैव के लिए गर्त में मिल जाएगा। पाकिस्तान में व्याप्त भ्रष्टाचार और गरीबी का फायदा भारत बड़ी आसानी से उठा सकता है। ISI और अन्य मजहबी जमातें यही काम कर रही है। जो मुसलमान दहशतगर्द भारत के खिलाफ खड़े किए जाते हैं, वे थोड़े से प्रयास से पाकिस्तान के खिलाफ खड़े हो सकते हैं। अमेरिका ने अफगानिस्तान, इराक और सीरिया में यही रणनीति अपनाई है। तुर्की जिन कुर्द लड़ाकों को आतंकी मानता है, अमेरिका उनका समर्थन करता है। ऐसे ही बलूचिस्तान, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और पीओके में आजादी चाहने वालों की बड़ी तादाद मौजूद है। इनमें बहुत से लोगों ने सशस्त्र आंदोलन भी चला रखे हैं। खास बात यह है कि भारत को इन्हें प्रशिक्षण दिलाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि समझाने और सही लक्ष्य दिखाने की जरूरत है। पाकिस्तान द्वारा उनके ऊपर किए जा रहे जुल्म और सितम की वास्तविकता से इन्हें परिचित कराने की जरूरत है। इस भिखारी और गरीब मुल्क के पंजाबी मुसलमान भी 5 से 10,000 रुपए में अपना वजूद बेचने के लिए तैयार बैठे हैं। महंगाई और भ्रष्टाचार से त्रस्त जनता उबलने के लिए दरवाजे पर खड़ी है।
गौर करने वाली बात यह है कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में हिंदू सिख ईसाई आबादी पर बेइंतहा अत्याचार हुए हैं, मगर इनमें से एक भी व्यक्ति आतंकवादी नहीं बना है, जबकि मुसलमानों में ऐसा नहीं है। इस्लाम का प्रारूप पूरी तरह से अलग है। पूरी दुनिया में यही कौम है जो अपनी महत्वाकांक्षा के लिए आतंक का सहारा लेती है, इसलिए भारत बड़ी आसानी से इसका फायदा उठा सकता है। यूं भी पाकिस्तान में भारत समर्थकों की कोई कमी नहीं है। इस देश के सरकारी अफसरों से लेकर राजनेताओं में भारत की बड़ी पैठ बन चुकी है। पाक फौज में भी भारत के नुमाइंदे अपनी पकड़ बना चुके हैं। ऐसे में भारत इन लोगों को सक्रिय करके पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब दे सकता है। आधे से ज्यादा पाकिस्तान बिकने के लिए तैयार खड़ा है, बस दाम सही लगाने की जरूरत है। फिर यह गद्दारी की नहीं, हक की लड़ाई के लिए खड़े हो रहे हैं। ऐसे में भारत को उनकी भावनाओं का समर्थन करना चाहिए। इसका मतलब यह है कि अगर भारत पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान की वापसी हेतु सीधी जंग से बचना चाह रहा है तो उक्त विकल्प ज्यादा बुरा नहीं है। हालांकि पाकिस्तान ने भारत पर ऐसे आरोप मरने शुरू कर दिए हैं, मगर भारत सरकार ने इसका जोरदार तरीके से न केवल खंडन किया बल्कि उल्टे पाकिस्तान को ही लपेट लिया। यानी ओसामा बिन लादेन और पीएम इमरान खान की स्वीकृति एक ऐसा हथियार है जिससे पाकिस्तान का पीछा ताव मर नहीं छूटेगा। ऊपर से इमरान द्वारा ओसामा को अपनी संसद में शहीद कहना इस्लामिक स्टेट और अलकायदा से उसके संबंधों को भी दर्शाता है। पीओके जम्मू कश्मीर का हिस्सा है और पूरा जम्मू कश्मीर भारत का भिन्न अंग है। अब पाकिस्तान को इतिहास याद दिलाने का नहीं, इतिहास दोहराने का वक्त है। यानी जिस तरह पाकिस्तान ने धूर्तपूर्ण तरीके से इलाकों को कब्जाया था, भारत को वैसी ही रणनीति का पालन करना होगा। इसमें भारत के पास प्लस पॉइंट यही है कि भारतीय फौज दुनिया की शक्तिशाली फौजों में शुमार है और पाक की बलबचोर रैपिस्ट आर्मी कहीं नहीं ठहरती है। भारत के खुफिया एजेंसियों का नेटवर्क भी पाकिस्तान में काफी मजबूत है और पाकिस्तान के भीतर बहुत गहराई तक उसने लिंक स्थापित कर लिए हैं। यानी आंतरिक और राजनीतिक तौर पर कमजोर पाकिस्तान को आसानी से घुटने टेकने पर मजबूर किया जा सकता है। मजे की बात यह है कि पाकिस्तान आर्थिक तौर पर दिवालिया हो गया है और उस पर लदे कर्जों ने उसकी अर्थव्यवस्था को बुरी तरह चरमरा दिया है। एक आतंकी मुस्लिम देश की कमर तोड़ने के भारत के पास असीमित विकल्प है, जबकि पाकिस्तान दुनिया में अलग थलग पड़ा हुआ है। उसके आतंकी चरित्र के उजागर होने के बाद कोई भी देश उसकी बातों पर यकीन नहीं करता है, जिसका सीधा लाभ भारत को मिल सकता है। संभवतः भारत इसी रणनीति पर विचार कर रहा होगा, क्योंकि जंग की संभावनाएं इन दोनों देशों में नजर नहीं आती है। पर इसमें भी एक बड़ी दिक्कत है, इस तरह की रणनीतियों की सफलता की कोई गारंटी नहीं होती है। पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में बहुत कुछ करके देख चुका है, जिसका नतीजा ढाक के तीन पात वाला रहा है, जबकि सीमा पर आर पार की जंग से परिणाम जल्दी निकलने के चांस हैं। ऐसे में भारत को सभी विकल्पों पर मंथन करके आगे बढ़ना होगा। यूं भी युद्ध तमाम रास्ते बंद होने के बाद का विकल्प होता है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।